दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। वैसे तो पारिजात वृक्ष पूरे भारत देश में पाए जाते हैं, पर यूपी के किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष अपने आप में कई मायनों में अनूठा है और ये अपनी तरह का पूरे भारत में इकलौता वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर किंटूर गांव है। इस जगह का नामकरण पांडवों की माता कुंती के नाम पर हुआ है। यहाँ पर पांडवों ने माता कुंती के साथ अपना अज्ञातवास बिताया था। इसी किंटूर गांव में भारत का एकमात्र पारिजात का पेड़ पाया जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष को केवल छूने से ही सारी थकान मिट जाती है। आमतौर पर पारिजात पेड़ 10 फीट से 25 फीट तक ऊंचे होते हैं, पर किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष लगभग 45 फीट ऊंचा और 50 फीट मोटा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपनी तरह का इकलौता पेड़ है, क्योंकि इस पर बीज नहीं लगते हैं और इसकी कलम बोने से भी दूसरा पेड़ तैयार नहीं होता है। इस पेड़ पर जून के आसपास बेहद खूबसूरत सफेद रंग के फूल खिलते हैं। पारिजात के फूल केवल रात के वक्त ही खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। इन फूलों का लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व है, पर एक बात का ध्यान रहे कि इस पेड़ के वही फूल पूजा में काम लिए जाते हैं जो टूटकर गिर जाते हैं। पेड़ से फूल तोड़ने की मनाही है। इस पेड़ का वर्णन हरिवंश पुराण में भी आता है। हरिवंश पुराण में इसे कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति समुन्दर मंथन में हुई थी और जिसे इंद्र देव ने स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया था। हरिवंश पुराण के अनुसार इसको छूने से ही सारी थकान मिट जाती थी। एक बार देवऋषि नारद जब धरती पर श्री कृष्णा से मिलने आए तो अपने साथ पारिजात के सुंदर फूल लेकर आए। उन्होंने वह फूल श्री कृष्णा को भेंट किए। श्री कृष्णा ने वह फूल साथ बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। लेकिन जब श्री कृष्णा की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चला कि स्वर्ग से आए पारिजात के सारे फूल श्री कृष्णा ने रुक्मणी को दे दिए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्री कृष्णा के सामने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी अपने बगीचे के लिए पारिजात वृक्ष चाहिए। श्री कृष्णा के लाख समझाने पर भी सत्यभामा नहीं मानी। आखिरकार सत्यभामा की जिद के आगे झुकते हुए श्री कृष्णा ने अपने दूत को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा, पर इंद्रदेव ने पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। दूत ने जब ये बात आकर श्री कृष्णा को बताई तो उन्होंने खुद ही इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया और उनको हराकर पारिजात वृक्ष को जीत लिया। इससे रुष्ट होकर इंद्रदेव ने पारिजात वृक्ष को फल से वंचित हो जाने का श्राप दे दिया और तभी से पारिजात वृक्ष पर कोई फल नहीं लगता। श्री कृष्णा ने पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा के बगीचे में बो दिया, लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर दिया कि जब भी पारिजात वृक्ष पर फूल लगते तो वह रुक्मणी के बगीचे में ही गिरते, और यही कारण है कि पारिजात के फूल इसके नीचे न गिरकर इससे दूर गिरते हैं। इस तरह यह पेड़ स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। इसके बाद जब पांडवों ने किंटूर में अज्ञातवास किया तो उन्होंने वहां माता कुंती के लिए भगवान शिव के एक मंदिर की स्थापना की, जो कि अब कुंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता कुंती पारिजात के फूलों से भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर सके, इसलिए पांडवों ने सत्यभामा के बगीचे से इस पेड़ को लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया और तभी से ये पेड़ यहाँ पर मौजूद है। एक और मान्यता ये भी है कि पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिसे भगवान सूर्य से प्रेम हो गया था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान सूर्य ने पारिजात के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, जिससे निराश होकर
राजकुमारी परिजात ने आत्महत्या कर ली। जिस स्थान पर परिजात की कब्र बनी, वहीं से परिजात नाम के इस पेड़ ने जन्म लिया। इस पेड़ के ऐतिहासिक महत्व और इसकी दुर्लभता को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। इस पेड़ को आयुर्वेद में हरसिंगार भी कहा जाता है। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। इसके फूल दिल की बीमारी के लिए भी उत्तम औषधि माने जाते हैं। साल में एक महीने परिजात पर फूल आने पर अगर इन फूलों का या फिर इन फूलों के रस का सेवन किया जाए तो दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके पत्तों को पीसकर शहद में मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है और इन्हें त्वचा पर लगाने से त्वचा से संबंधित सारे रोग ठीक हो जाते हैं। परिजात पेड़ की पत्तियों से बने हर्बल तेल का भी त्वचा रोगों का इलाज करने में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कौंपलों को अगर 5 काली मिर्च के साथ महिलाएं सेवन करें तो उनको स्त्री रोग में लाभ मिलता है। वहीं इसके पत्तों का जूस क्रोनिक बुखार को ठीक कर देता है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।